दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल FinnOHP। अभी देखिए, सेलो वर्ल्ड इसका जो IPO आया था, तो बहुत सारे लोगों ने एक ये लगा के रखा था कि मतलब इसका IPO जो लिस्ट होने के बाद लगभग ये शेयर 1500-1600 के आसपास पहुंच जाएगा, क्योंकि थोड़ा महंगा IPO था। ये शेयर का प्राइस जब ये लिस्ट हुआ था थोड़ा महंगा था, तो बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि ये शेयर का प्राइस 1500-1600 तक भी पहुंच सकता है, क्योंकि इसका अगर देखेंगे तो बिज़नेस ज़बरदस्त चल रहा है मार्केट में। और इसका बोल सकते कि सेलो वर्ल्ड के मैनेजमेंट की ओर से जो एक अपडेट भी आया था, जहाँ पे इसका जो एक प्रोडक्शन गुजरात या राजस्थान में शायद बना रहा है, जिसके चलते उससे भी एक अच्छा खासा जो है सेल्स ग्रोथ, बिजनेस ग्रोथ कंपनी को, सेलो वर्ल्ड को आगे चल के हो सकता है। शेयर में गिरावट बढ़ रहा है, तो अभी कुछ दिन में दोस्तों मार्केट में बहुत सारे IPOs देखने को मिला है। सेलो वर्ल्ड, IRM एनर्जीज और गंधार ऑयल, ये मतलब बोल सकते कि बहुत सारे ऐसे IPOs है, जैसे कि ये सब स्मॉल फाइनेंस बैंक भी हैं। अगर देखते हैं आप, उसमें से ज़्यादातर IPOs जो है मार्केट में लिस्ट होने के बाद उसका शेयर इन्वेस्टर्स को जो है कुछ खास रिटर्न नहीं दिया है। अभी गंधार ऑयल का, जो कि एक अच्छा खासा कंपनी और उसमें शेयर का प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, और उसने एक थोड़ा बहुत रिटर्न भी दिया है इन्वेस्टर्स को। अभी यहाँ पे सेलो वर्ल्ड को लेके दोस्तों हम लोग बहुत सारे डिटेल्स जो है रिसर्च किया है, और वही इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे आपके साथ शेयर किया जाए। रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो पे पूरा बने रहिए, कभी भी स्किप मत कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल FinnOH को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, शेयर मार्केट से जुड़े कंटेंट पाने के लिए। स्टॉक की बातें दोस्तों, एक दिन में सेलो वर्ल्ड के शेयर में 0.1% का जो है गिरावट बनता हुआ देखने को मिल रहा है। वही एक हफ्ते के अंदर 0.7% का इसने रिटर्न दिया है, और शेयर जब लिस्ट हुआ है एक महीने के अंदर भी देखते हैं हम लोग, लगभग 1.4% के आसपास जो है रिटर्न देखने को मिला है इस शेयर में। अभी इसका दोस्तों हम लोग देखते हैं कुछ दिन से जो इसका हाई प्राइस है सेलो वर्ल्ड का, तो आप देख सकते हैं जो कि अभी 3 महीने का ग्राफ लगा दिया हम लोगों ने, 3 महीने का जो वो लगा दिया, तो आप देख सकते हैं जहाँ पे 837.40 पैसे का इसका एक हाई प्राइस था और लो प्राइस 767.15 पैसे का था। वही दोस्तों एक महीने का देखते हैं, एक महीने के अंदर 820.90 पैसे का इसका हाई प्राइस था, लो प्राइस 767.15 पैसे का था, और यहाँ पे एक हफ्ते के अंदर जो इसका हाई प्राइस था 824.90 पैसे का, लो प्राइस था 775 रुपीज़ का। तो अभी ये शेयर मतलब सेलो वर्ल्ड का शेयर जो इसका थोड़ा हम लोग देखते हैं जो मार्केट कैप है कंपनी का, आप देख सकते हैं यहाँ पे, एंड प्राइस टू बुक वैल्यू जो है 32 है, तो जो कि बोल सकते हैं कि इस इंडस्ट्री में एक हाई इसका बुक वैल्यू जो है उससे ज़्यादा है। तो शेयर में शेयर का जो प्राइस है अभी थोड़ा ज़्यादा ही चल रहा है यहाँ पे। अभी मतलब RSI इंडिकेटर की बात करते हैं, तो दोस्तों RSI इंडिकेटर कह रहे हैं कि ये जो शेयर है सेलो वर्ल्ड का, ना कि बोल सकते कि ओवरबॉट लेवल पे है, ना कि ओवरसोल्ड लेवल पे हैं। तो अभी मतलब ये शेयर जो है सेलो वर्ल्ड का, जहाँ पे इन्वेस्टर्स ने बहुत ही ज़बरदस्त पैसा लगाया है, और यहाँ पे देख सकते हैं जो प्रोमोटर्स है, प्रोमोटर्स के पास 78.06% का स्टेक है, बाकी शेयर जो है जो बाकी इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों के पास IPO में इन लोगों ने दिया है। तो IPO जब शेयर दिया है दोस्तों, उसके बाद अगर देखते हैं तो बिज़नेस जो है इसका ग्रो हो रहा है, बट शेयर कुछ यहाँ पे कुछ खास तेज़ी नहीं बना रहा। हो सकता है सेलो वर्ल्ड का शेयर का जो शेयर जो है इसमें से भी थोड़ा और गिरावट बनाए। FIS के पास 2.78% का स्टेक है, म्यूचुअल फंड के पास 1.33% का स्टेक है, अदर इंस्टीट्यूशन के पास 10.43% का स्टेक है, पब्लिक के पास 7.41% का स्टेक है सेलो वर्ल्ड का। थोड़ा हम लोग यहाँ पे जो है टेक्निकल इन्फॉर्मेशन अगर देखते हैं, तो डिटेल में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले सेलो वर्ल्ड के शेयर को लेकर। तो टेक्निकली आप देख सकते हैं जहाँ पे इसका जो मूविंग एवरेज है उसमें से बाई करने के मतलब देखने को मिल रहा है कि 8 जन ऐसा कह रहा है कि बाई कीजिए, सेल करने के लिए 4 जन कह रहा है। टेक्निकल जो एनालिसिस उसमें देखने के देख सकते हैं जहाँ पे एक न्यूट्रल लेवल पे बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अभी इसका जो IPO आया था, तो IPO में बहुत सारे लोगों ने जब पैसा लगाया इसको सेलो वर्ल्ड में, तो उसको जो है उनको लोगों जो है बोल सकते कि कुछ खास तेज़ी नहीं बना IPO में। आप देख सकते हैं सेलो वर्ल्ड का, जो कि इंडियन एक बोल सकते कि कंज्यूमर गुड्स एंड कंपनी है, गुड्स कंपनी है जो कि मतलब कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाता है, और इसका जो IPO आया था मेड अ स्ट्रॉन्ग डिवर्ट ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE में जब लिस्ट हुआ था, एक ज़बरदस्त इसने बोल सकते कि जो लिस्टिंग यहाँ पे हुआ था, एंड विथ इस शेयर्स ट्रेडिंग एट 28.24% प्रीमियम ओवर देयर 648 IPO प्राइस। द इनिशियल पब्लिक ऑफर अवेल्ड एट ₹900 करोड़, जो कि 25.6 बिलियन के इसका IPO था,
और इसमें आप देख सकते हैं ये जो है ओवर सब्सक्राइब हुआ था 38.90 टाइम्स इसमें 38.90 टाइम्स जो है ये ओवर सब्सक्राइब हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि इसका जो डिमांड था मार्केट में आईपीओ में बहुत एक ज़्यादा डिमांड इसका आईपीओ के इसमें से चल रहा है। जैसे ही आईपीओ इसका आएगा तो उसके बाद ही जो लोगों ने इसके ऊपर मतलब जो है बोलते कि इन्वेस्ट करने के लिए पैसा लगाना शुरू कर दिया था। और यहाँ पे अगर देखते दोस्तों जैसे ही आईपीओ आया है शेयर कुछ खास कमाल नहीं कर पाया है। तो यहाँ पे मतलब जो बोल सकते कि जो सब्सक्राइब हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिंग सब्सटेशनल इंटरेस्ट फ्रॉम जो यहाँ पे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स है एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स या फिर इन्वेस्टर्स, इन लोगों से एक बहुत ज़्यादा ये था कि जो ये शेयर है इसमें खरीदारी करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी जो है सक्सेसफुल रेज्ड 567 करोड़ फ्रॉम अनदर इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग ICICI प्रोडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, SBI लाइफ इंश्योरेंस एंड यहाँ पे HDFC म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, BNP परिवास, ये सब कंपनी जो यहाँ पे और भी आप कंपनीज देख पा रहे हैं, कंपनीज का नाम देख पा रहे हैं, उन लोगों से जो है कंपनी ने लगभग 567 करोड़ उठाया और मतलब 567 करोड़ जो इन्वेस्टमेंट लिया है, सक्सेसफुली रेस किया है पैसा। और यहाँ पे जो शेयर्स इन लोगों ने दिया है 648 ईच शेयर्स इन लोगों ने दिया है, 648 रुपीज़ में जो शेयर्स दिया है। तो अभी दोस्तों कंपनी का मतलब जो आईपीओ आया है, आईपीओ जो आया था उसमें देख सकते हैं जहाँ पे द आईपीओ हैड एन ऑफरिंग प्राइस बैंड सेट ₹617 to ₹648 per equity share विथ मार्केट एनालिसिस प्रेडिक्ट जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि लिस्ट गेन 150 to 180 per share। तो यहाँ पे मतलब इसका जो आईपीओ का प्राइस बैंड था, अभी बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि दोस्तों इसमें जो है शेयर्स में जो है जब अपने आईपीओ के लिए अगर अप्लाई किया है तो आपको हो सकता है कि इसमें अलॉटमेंट में शेयर मिला है। तो अगर आपको अलॉटमेंट में शेयर मिला है तो इसमें जो है आपको हो सकता है कि एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिले, क्योंकि शेयर का प्राइस जब इसमें प्राइस बैंड रखा गया था जो कि 617 से लेके 648 के बीच में रखा गया था इसका प्राइस बैंड। तो देखिए अभी से लेके 648 के बीच में जो ये प्राइस बैंड था, प्राइस बैंड में जिसको भी शेयर मिला है उनको एक प्रॉफिट देखने को मिला रहेगा। शेयर जो है अभी लगभग 800 के आसपास चल रहा है, मतलब 100-150 के आसपास जो है शेयर में आपको प्रॉफिट देखने को मिला रहेगा। वही ऐसे भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं दोस्तों जिन लोगों ने इस स्टॉक को आईपीओ आने के बाद, आईपीओ आया मार्केट में लिस्ट हुआ और उसके बाद खरीदा, उन लोगों की गिरावट बनता हुआ देखने को मिल रहा है। और ऐसे भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिन लोगों को लगता है कि ये शेयर जो दोस्तों 16-16.5 तक पहुँच सकता है। ऐसा हम लोग बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि ये शेयर 16-16.5 तक नहीं पहुँच सकता है, हो सकता है कि आगे जाके आपको देखने को मिले रिटर्न, लेकिन अभी अभी का जो शेयर ये चल रहा है और अभी का जो इसका डिटेल्स देखने को मिल रहा है, हमें लगता है कि ये शेयर जो है मतलब अभी यहाँ से अगर देखते हैं तो बहुत ज़्यादा शायद से टारगेट प्राइस नहीं दे सकता है। आपको क्या लगता है सेलो वर्ल्ड के शेयर को लेके, ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताइए। डिस्क्लेमर देना चाहेंगे दोस्तों, हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि कोई भी शेयर आपको खरीदना चाहिए बेचना चाहिए, रिक्वेस्ट करते हैं जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं बेचते हैं खुद से एक बार ज़रूर रिसर्च कर लीजिए। उम्मीद है जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नवीश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए।